एक बार आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ कि बहुत सी जो हिंदू शादियां होती हैं वहां पर भी अब आज के समय में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। शादी भले ही हिंदू रीति रिवाज से होती है लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन है। अब हिमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि भाई नाबालिग बच्चियों की भी शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है जब काजी कर देते हैं। वो कह रहे हैं अब सरकारी होगा और नाबालिगों की नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ एक ही चीज है, वो आप भी फॉलो करेंगे, वो मुमताज जी भी फॉलो करेंगे? देखिए शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है? हाँ। बताइए ना, हिंदुओं ने तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया, हमारे शादी 7 जन्म का माना जाता था, उसके बाद भी उसमें डाइवोर्स लाया तो हमने स्वीकार किया। मॉडिफिकेशन आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, मतलब एक सरकार का विद्रोह करना है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। अरे हज जाते हो वहां के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज की यात्रा नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है भाई? जो आप घर घर में जिस प्रकार से व्यवस्था दुर्व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हो, काजी का काम कहां रुका है? एक पुरानी कहावत है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुझे बताइए ना, किस लिए काजी साहब को बीच में इन्वॉल्व? शादी कराएं, बिल्कुल कराएं शादी, जिस प्रकार से आपको कागज देने हैं, दस्तावेज। पर वो कहावत बदल गई ना, अब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली कहावत हो गई है। तो इसीलिए मुमताज जी आपको इससे आपत्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। और जहां रजिस्ट्रेशन लोग करवाना चाहते हैं, इसलिए पूछ रही हूं मैं, उसमें ऐड कर दूं बस, उसमें इसलिए पूछ रही हूं कि कई मौलाना ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई ये लोग सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाते हैं, इनको इनकी हैसियत दिखानी पड़ेगी। दो चीजें एक रजिस्ट्रेशन, फिर दूसरा ये माहौल बनाना कि ये दरअसल हम जो यूसीसी ला रहे हैं उसका एक पहला एक स्टेप है। क्या है ये? कि नहीं नहीं, ये स्टेप या हम तो कह रहे हैं कि ये आसाम और ये उत्तराखंड ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? सेंटर गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही यूसीसी? हाँ। वो ले आए यूसीसी, लेकिन नहीं कब लाएंगे? 10 साल तो हो गई, अब तो मजबूत सरकार भी नहीं है, 10 सरकार हो गई, 10 साल हो गए जब रजिस्ट्रेशन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना रहे हो। नहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक सेकंड, रशीदी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, रशीदी जो बलवा करने की बात कर रहे हैं कि रोड नहीं रजिस्ट्रेशन, मैं आपको एक चीज और बता, दिक्कत क्या है भाई साहब? मैं आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि काजी के बगैर सुचारिता जी, अगर काजी निकाह न पढ़ाए ना तब भी निकाह हो जाएगा, जा करके लड़की लड़का अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं शादी मानी जाएगी। तो ये और ये इस्लाम के हिसाब से जायज है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब राजनीति उसमें की जाती है, सरकार तो राजनीति इस्लाम के हिसाब से जायज है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नाजायज कहां से? हाँ तो फिर उसमें फिर जब हम ये मानते हैं तो फिर ये जो उन्होंने सवाल उठाया कि ये बलवा करने वाली बात कहां से आती है कि इनको इनकी हैसियत दिखा देते हैं से नहीं, जिस तरीके से एक के बाद एक एक टारगेट करके चीजें की जाती है, तब मुझे करिए ना, कर दीजिए एक साथ कर, करने वाली बात पर आ रही हूं। एक बार आजा जी एक बार एक जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुसलमान मत खेलिए, मुसलमान मत खेलिए, अजय जी एक सेकंड, मुसलमान मत कीजिए, आप उत्तराखंड में करते हैं उसके बाद आप असम में करते हैं, एक साथ करिए ना, फिर ये क्यों कर रहे हैं आप दिखावा? यूसीसी लाना है तो एक साथ लाइए, वो कह रहे हैं ड्रामा। अजय जी जवाब दें। देखिए ऐसा है कि यूसीसी लाना या नहीं लाना, यूसीसी संविधान में है, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, सुना नहीं ना, बाबा साहब के संविधान में 1951 से यूसीसी है, अब लागू करने की बात है, एक देश एक विधान एक संविधान चलेगा। इसी देश में 70 साल ने देखा है कि एक देश और दो विधान चला, दो झंडे चले, वो सब हमने खत्म किया। यूसीसी समय की जरूरत है और यूसीसी सबसे बातचीत करके कंसल्टेंसी करके सबसे उस विश्वास में लेके इस देश में यूसीसी होगा। अरे पाकिस्तान में यूसीसी है, सऊदी अरब में यूसीसी है, बांग्लादेश में यूसीसी है, भारत में क्यों नहीं? कोई नहीं कर रहा है, आप एक पर एक आप लोग गलती आपसे राजनीतिक दल करवाते हैं, मैं पूरे मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ मुसलमान ठेकेदार जो है जिन्होंने आपको पूरी मुस्लिम कौम का ठेका ले लिया है, आप ये बताइए मुझे, एक मिनट आप सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए, 303 पे रहे आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए, ठीक है उनकी बात सुन लेते हैं, आप सुन लीजिए फिर जवाब देखिए। मुमताज जी एक मिनट, मैं बस ये पूछ रही हूँ, मुमताज जी ने जो सवाल उठाया ना अजय जी, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड असम ये एक एक करके आप यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार लाइए मंशा साफ रखिए, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, ऐसा है कि यूसीसी लॉ एंड ऑर्डर का भी सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेट को कॉन्फिडेंस में लेके और स्टेट को ही उसको लागू करना है, सेंटर को लागू नहीं करना है। फेडरल सब्जेक्ट ये ऑलरेडी संविधान में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी इश्यूज को देखते हुए हर स्टेट वाइज ये लागू होगा। धीरे धीरे हो रहा है, शुरुआत तो होगी, एक अच्छी शुरुआत की है, उसकी तो तारीफ कीजिए कम से कम, हमने इच्छा शक्ति को दिखाई। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कैसे ले आए आप? आपने बहुत अच्छी बात की, आप फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसका आप सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन ये इसी में क्यों फिर वक्फ बोर्ड में आप करते, वो भी तो है फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा। जल्दी से जवाब दे, ठीक है? वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, वही पूछ रहा हूं। नहीं हो अभी मुमताज जी, ठीक है वो जवाब दे दे। हां मुमताज जी एक सवाल पूछना है आपसे। हां जी एक सवाल बस। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड बनने आए किस लिए? मुस्लिमों की प्रशासनिक एक कमेटी जो कि मुसलमानों की जमीनों का व्यवस्था करेगी रिलीजियस काम के लिए, ठीक है? लेकिन ऐसा बोर्ड हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? हाँ। ऐसा बोर्ड कोई सिख बोर्ड क्यों नहीं है? ऐसा बोर्ड कोई जैन बोर्ड क्यों नहीं है? पारसी बोर्ड क्यों नहीं है? ईसाई बोर्ड क्यों नहीं है? क्यों हम नहीं? तो देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं तो कभी भी हम तो कभी वक्फ बोर्ड के हिमायती रहे नहीं। हम तो कह रहे हैं जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस तरीके से बनाइए और हमें दीजिए हमारे औकाफ जो है, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं। और एक मिसाल मैं आपको दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप जो है भव्य राम मंदिर बना लीजिए और 5 एकड़ में मस्जिद, भव्य राम मंदिर बन गया, 5 एकड़, अभी पता ही नहीं मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा। अरे इजाजत किसे दी गई है भाई? नहीं नहीं यही हाल पूरे औकाफ का है। इजाजत किसने दी है? नहीं सरकार कहां दे रही है? सरकार दूसरा मामला ला रहे हैं। सरकार नहीं नहीं मैं कह रहा हूं, मैं नियत बता रहा हूं आपको, सुचारिता जी नियत बता रहा हूं मैं। सरकार ने जमीन दे दी, नियत पे भरोसा नहीं। ठीक है एक मिनट, अच्छा ठीक है एक सेकंड आचार्य जी मैं आ रही हूं, क्योंकि राम मंदिर और मस्जिद की बात होती है वो बार बार, और ये कह रहे हैं इजाजत नहीं दी गई, पता नहीं किसने इजाजत नहीं दी है। मंदिर की मस्जिद के लिए जमीन भी अलॉट की गई है, मस्जिद का वो कह रहे हैं कि ये नियत पर सवाल है, नियत जो है वो खराब है, ये हर काम ऐसे कर रहे हैं जैसे जिससे कि मुसलमानों को टारगेट करके एक तुष्टिकरण हो, हिंदू तुष्टिकरण। नहीं देखो भारत में अगर 20-22 करोड़ मुसलमान है, कोई भी सरकार अगर टारगेट करेगी तो उस स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो तो 20 लाख भी कोई कम्युनिटी है। हाँ। उसको उसके संपूर्ण अधिकार के साथ जीवन मिलना बिल्कुल चाहिए। लेकिन सवाल प्रश्न ये होता है कि क्या अगर जो चीजें मजहब से जुड़ी नहीं है और राइट टू इक्वलिटी में आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वलिटी है और इस देश को विश्व का महाशक्ति बनाना है, तो जो भी सामाजिक पिछड़ापन किसी में है सरकार के स्तर पर उसको अगर दूर करने की कोशिश होती है तो उसको मजहब से कैसे जोड़ा जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने हेमंत विश्व शर्मा के बयान में कहीं नहीं सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम ये कदम कॉमन सिविल कोर्ट की दृष्टि से उठा रहे हैं, मैंने नहीं सुना है। हाँ। ये चर्चा चल रही है, काजी साहब निकाह कराएंगे उसमें रोक नहीं है, काजी साहब अपने यहां भी रजिस्ट्रेशन करें उसमें भी रोक नहीं है, लेकिन एक सरकार के डाटा में रजिस्ट्रेशन हो कि भाई हमारे सामने कितने कपल शादीशुदा है, किन की क्या स्थिति है, वो एक आवश्यक पार्ट किसी राज्य के लिए होता है। तो ऐसा विषय था ही नहीं जिसको विवाद बना दिया। लेकिन अगर आप सड़क पर बलवा करेंगे, जैसे वहां तो इसलिए नहीं बना रहे हैं ना कि लोगों ने कहा कि आज न कल फिर कोई मीर बाकी आएगा और उसको तोड़ेगा, मस्जिद वही बनाएंगे, तो वो तो जिद है नहीं बनाने की, जमीन तो मिल चुकी है। तो अरे नहीं क्या बात, सुनिए जवाब सबके पास है। अरे भाई सुनो, डिबेट रेम ताज मुमताज मुमताज मतलब बीच में मत बोलिए मुमताज, मैं भी बोल सकता हूं। ये बयान रहा है इस देश में, तो इस बयान के दृष्टि से जो लोग इस समय मुस्लिम समाज के कुछ लोग मजहबी रूप से लीड का, आम मुसलमान ऐसा नहीं है, वहां रजिस्ट्रेशन कराने भी जाएंगे, मैं बता रहा हूं। ये जो ये उन्होंने कहा कि अभी भी इसके परमिशन है, उनका क्या है, उनका कहीं पे निगाहें कहीं पे, वो कह रहे हैं कि तो मुसलमानों को टारगेट करना है। अरे भाई बीच में को बोलते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपके बीच में बोला नहीं, ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूं ना, ऐसे डिबेट थोड़े होता है, आप लोग जो आदत बने, मैं बोलता ही नहीं हूं बीच में। ये कह रहे हैं कि ये हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें अब समस्या तो वही आ रही है ना कि अगर सही है तो मुसलमान कैसे टारगेट हो गया, अब मुसलमान टारगेट हो रहा है तो सही कैसे है। जो दूसरी बात है, आप देखो इस देश में, अवधेश जी आपने एक बात बोली, आपने कहा कि इससे हेमंता विश्व शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो यूसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि समानता वाला कानून ही है यूसीसी। यूसीसी कहता है कि भाई अलग 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 धर्मों के हिसाब से कानून ना हो, एक कानून हो, एक सिविल कोड हो, और इसीलिए शायद ये जो कानून है ये अगर सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है।